ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद दिल्ली समेत आसपास के तमाम इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इसी के चलते गाजियाबाद में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सड़कों से लेकर रेल तक की निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही बसों और ट्रेनों के अंदर भी चौकसी बरती जा रही है। इसी के चलते डॉग स्क्वाड को रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, स्टेशन और बस स्टैंड पर बैठे हुए लोगों से पूछताछ और उनके लगेज को चेक किया जा रहा है। इससे साफ है कि पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहता। आपको बता दें कि मथुरा से गिरफ्तार हुए संदिग्ध और दिल्ली में आतंकियों के छिपे होने की बात सामने आने के बाद गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने चौकसी बरती है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोकल इंटेलिजेंसी को भी सक्रिय कर दिया गया है और किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौकसी के मद्देनजर दुधेश्वर मंदिर, पासपोर्ट ऑफिस, सीबीआई कोर्ट, डासना जेल और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के अलावा 2 बस अड्डों और 2 सब्जी मंडियों में भी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। आगामी 26 जनवरी को दृष्टिगत रखते हुए और चूंकि राष्ट्रीय पर्व है, इसकी संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी है, मथुरा में भी एक संदिग्ध आतंकवादी पकड़ा गया है जिसको लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। NCR पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है जी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज GRP रेलवे स्टेशन पर GRP, RPF, MDOG स्क्वाड द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें सघनता से चेकिंग की गई। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए गाजियाबाद से शिवम गौतम की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर